नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु। तो आज 12 जून 2022 जेठवन के अंदर हम लोग हैं। सो अभी आज का जो बुद्ध का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, बुद्ध के वचन पढ़ेंगे, वो जो है आपके बहुत सारे सवाल जो यहाँ पे आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन उसी सूत्र में है। हम लोग ये सवाल भी बाद में पढ़ेंगे, मगर बहुत सारे जो आपका सवाल है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी हो रही है आपके मेडिटेशन के अंदर, उसका जवाब इस के अंदर आपको मिल जाएगा। जो भी सॉल्यूशन हमने पहले भी दिया है उसका कन्फर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर से आपको पता चलेगा कि जो हमने आपको कहा है उसका जो कन्फर्मेशन है वो बुद्ध के वचनों में है। तो ये जो सूत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपके लिए वो है मज्झिमा निकाय का 20वां सूत्र। इसका अंग्रेजी में नाम है द रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, या विचलित करने वाले विचारों का हटाना, उसका ये शीर्षक है। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावती में अनाथ पिंडिका के आराम जेठवन में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं बदंत कह उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भिक्षुओं, जब एक भिक्षु चित्त के एकाग्रता की कोशिश कर रहा है तो उस समय समय पर 5 संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। 5 क्या? तो बोल रहे हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ आपके जो यहाँ पे मेडिटेशन में जहाँ हो रहा है आपको ये ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर से एक जो यहाँ पे जो 5 चीज़ें बताई गई हैं उसमें से एक जो ऐसी चीज़ है जो हमारे जो गुरु है बंते विमल रमसी वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जोर देने या दबाने की बात की गई है। क्योंकि यही बात दूसरे सूत्र में बताया गया है कि ऐसा नहीं करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था बुद्ध को। सो वो चीज़ हम छोड़ देंगे। फिर वो जो 4 चीज़ें हैं हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ भिक्षुओं, जब कोई भिक्षु किसी संकेत पर ध्यान दे रहा है, संकेत क्या है? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है संकेत। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो हम लोग फॉरगिवनेस का देते हैं वो हो सकता है, या आपका जो कल्याण मित्र हो सकता है, या अगर आप दिशाओं भेज रहे तो दिशाएं हो जाए। तो कोई भी संकेत जो आपको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, संकेत पर ध्यान दे रहा है और उस चिन्ह के कारण उसके भीतर वासना घृणा और भ्रम से जुड़े बुरे अस्वच्छ विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे किसी अन्य संकेत पर ध्यान देना चाहिए जो उससे संबंधित है। सो अभी क्या बोलते हैं कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कोई ऐसे विचार आते हैं जो आपको विचलित करते हैं, आपका मन को जरा हिलाते हैं, तो उसके अंदर किस तरह के विचार है? विचार है कि जैसे जो भी वासना, अगर बोलते कोई भी चीज़ चाहिए वो वासना है, तो समझो आपको खाना चाहिए या आपको ज़्यादा मीन्स गर्मी हो रही है तो आपको थोड़ा ठंडी चाहिए, वो भी सारी वासनाओं में है कि आपको आपको कुछ चाहिए जो आपको लगता है कि वो मिलने से मेरा जो अभी स्थिति है परिस्थिति है वो बदल जाएगी, तो वो मिलने से मेरी स्थिति बदल जाएगी, ऐसा सोचना जो है वो सारा चीज़ें वासना में आती हैं। सो फिर क्या है? घृणा। घृणा क्या का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ जो है उससे आप झगड़ा करते हैं, जैसे पीड़ा है तो पीड़ा से आप झगड़ा करते हैं, आपका मन विचलित है मन विचलित से झगड़ा करते हैं, गर्मी है तो गर्मी से झगड़ा करते हैं, अगर समझो बारिश होगा तो आवाज़ आएगी ज़्यादा तो आवाज़ से आप करते हैं, तो वो घृणा है, या किसी व्यक्ति का घृणा करते हैं, या किसी कोई सिचुएशन जो है आया है उसके ऊपर आप घृणा करते हैं, तो कोई भी जात का घृणा का भावना। और क्या है? भ्रम। भ्रम का मतलब क्या है कि जो भी आता है वो आप अपना व्यक्तिगत तरीके से लेते हैं, उसे भ्रम कहा जाता है। सो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट और डिल्यूजन, ओके दिस इज मी।
वो चीज़ तीन चीज़ है कि ये मैं हूँ। तो हमने एक दो बार दो तीन दिन आपको बताया कि जो भी आपके विचार आ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं कि ये मेरे विचार हैं। तो ये क्या है, ये जो है जो बेसिक तीन प्रिंसिपल है बुद्ध के दिए हुए वो है अनाथा है प्रिंसिपल, जो उसको बोलते हैं अव्यक्तिगत। तो अब ये अनाथा के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो ये जो है वो भ्रम है। सो ये तीन चीज़ का विचारों को अगर आप खंड में बांटेंगे तो ये तीन चीज़ों के अंदर आपका विचार आ जाएंगे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए और ये मैं हूँ। तो ये जो भी आपका मनस्थिति होती है वो समझते हैं कि ये मेरी अभी ये मेरी मनस्थिति अभी उत्पन्न हुई है, ऐसे नहीं सोचते हैं। व्यक्ति क्या सोचता है, ये मैं हूँ। अगर आप गुस्सा है तो मैं गुस्सा हूँ हो जाता है, ऐसा नहीं कि मुझ में गुस्सा का ये आया है, भाव आया है, वो सोचना अलग बात है और मैं गुस्सा हूँ ये दो अलग बात है। ओके, तो वो उसमें भ्रम का आता है कि क्योंकि आपके मन में जो चीज़ आ रही है आप वो हो जा रहे हैं, तो आपका ये जो है डिल्यूजन या भ्रम का से जुड़ा है। इच्छाएं विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे किसी अन्य संकेत पर ध्यान देना चाहिए जो उससे संबंधित है। तो अभी हम क्या करते हैं कि दूसरा चिन्ह हम लेते हैं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो हम लोग क्या देते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, आपको सबको हमने बार बार बताया है स्माइलिंग। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि आप स्माइलिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्माइलिंग से क्या होता है कि आपका मन जो है का जो आपका अटेंशन है वो आपका मित्र पे भी रहता है और यहाँ पे आपका स्माइलिंग पे भी रहता है। तो स्माइलिंग आप नहीं करेंगे तो आपका मन का जो है ध्यान और बिखरेगा, और ये मन का ध्यान रखने के लिए स्माइलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो स्माइलिंग एक कार्य है जो आपको करना है। ओके, वो कार्य आपको करते रहना है। अगर कोई अलग तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं तो उसको स्माइलिंग का इतना ये नहीं है, मगर नॉर्मली सब जो हम आपको रोज बोलते हैं कि स्माइलिंग करना चाहिए। ओके, हितकारी है, जब वह किसी अन्य संकेत पर ध्यान देता है जो कि हितकारी है तो वासना घृणा और भ्रम से जुड़े सभी बुरे हानिकारक विचार उसके भीतर छोड़ दिए जाते हैं और कम हो जाते हैं। इनके त्याग से उसका मन आंतरिक रूप से स्थिर शांत एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। जिस तरह एक कुशल सुतार या उसका शागिर्द एक मोटी खूंटी से सूक्ष्म खूंटी को तोड़ सकता है, हटा सकता है, निकाल सकता है, वैसे ही जब कोई भिक्षु किसी अन्य संकेत पर ध्यान देता है जो हितकारी है उसका मन आंतरिक रूप से स्थिर हो जाता है, शांत एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। तो अभी क्या है कि सुतार आपको पता है कारपेंटर जो ये फर्नीचर बनाता है, अगर समझो अगर कहीं पे वो अटक जाता है और समझो वहाँ पे एक बड़ा सा एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पीस ऑफ वुड है या एक लकड़े का टुकड़ा है, तो क्या करता है कि अगर उसे निकालना है उसमें से तो क्या करता है, छोटे लकड़े का टुकड़ा लेता है उसके ऊपर रख के वो मार के उसे निकाल देता है। तो ये जो स्माइल भी है उस तरह से एक औजार है आपके लिए कि आप स्माइल करते हैं और उस जो आपका जो मन भटकने का जो आपका क्रिया है उसको फिर वापस यहाँ पे लेके आते हैं। तो आपको हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने पहले ही बोला था, आपको बराबर से फॉलो करना है। हमने स्माइल करने के लिए बोला है तो आपको स्माइल करना है, वो एक कार्य है जो आपको करना है। मगर आपने समझो एक फॉर्मूला है, समझो चाय बनाना है, आपने समझो उसके अंदर पानी डाला, दूध डाला, मगर चाय की पत्ती नहीं डाली तो वो चाय कहलाएगी? अगर आपने उसके अंदर चाय की पत्ती डाली मगर पानी नहीं डाला और दूध नहीं डाला तो फिर उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते। तो आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत रहती है जो एक अच्छी जो आपको जो है आपको रिजल्ट दे सके। ओके, उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आपको बताया गया है और किस तरह से हमने या बुद्ध ने भी कहा है कि किस तरह से आपको करना चाहिए। फिर अभी
दूसरे संकेत पे जाते हैं, दूसरे एडवाइस पे जाते हैं। यदि वह भलाई से संबंधित किसी अन्य चीज़ पर ध्यान दे, फिर भी उसके मन में वासना और मोह से संबंधित बुरे बुरे विचार उत्पन्न हो, तो वह उन विचारों में होने वाले खतरे को इस प्रकार जांचे। ये विचार हानिकारक है, निंदनीय है, इनका परिणाम दुख देता है। जब वह उन विचारों में खतरे की जांच करता है, तो उसमें वासना, घृणा और भ्रम से जुड़े सभी बुरे हानिकारक विचार उसमें छोड़ दिए जाते हैं। तो अभी क्या बुद्ध कहते हैं कि अगर समझो, जैसे हमने कल भी लिया मज्जिमा निकाय 19 का हमने पाठ किया, उसके अंदर क्या बताया गया था कि हर एक विचारों को दो भाग में बुद्ध बांटते हैं, एक है जो हानिकारक विचार है और एक है जो हितकारी विचार है। तो जो भी आपके विचार है उसको आपको समझना चाहिए कि ये हमारा हित में नहीं है। अगर आपका विचार आता है कि अरे ये पहले क्या हुआ था, इसके साथ क्या झगड़ा हो गया था, इसके साथ में क्या कैसे उसने मेरे साथ बात की थी, ऐसे विचार आते हैं, तो ये इससे आपका हित होता है? कोई हित नहीं है। फिर ऐसे विचार आते हैं कि अब मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा, मेरा जॉब का क्या होगा, या मेरे घर के परिवार वाले का क्या होगा, या जो भी आप फ्यूचर में सोचते हैं, तो आप फ्यूचर के अगर आप सोचते हैं तो उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं? कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है, जो बीत गया और जो आने वाला है कल, उसके अंदर क्या समानता है कि वो दोनों हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, जो पहले हो गया, किसी ने आपसे झगड़ा किया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, वो ऐसा अगर सोचते रहते तो आपका वैर कम होता है? नहीं होता है। तो ऐसा नहीं सोचने वाले का वैर कम होता है, और वैर से कभी वैर कम नहीं होता, अवैर से ही वैर कम होता है। तो हमें सोचना है कि जो भी बीत गया है वो चीज जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, और वो सामने वाले के हाथ में भी नहीं है। किसी ने आपसे कोई कुछ चोरी कर लिया, तो वो चीज़ अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी समझो कोई चीज़ आप दे रहे, एग्ज़ाम दे रहे समझो, या फिर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या कोई आप कुछ बना रहे, घर बना रहे हैं, जो भी है, वो उस तरह से बनेगा, वो इंटरव्यू आप सक्सेस होगा, वो एग्ज़ाम में सक्सेस होगा, आपके हाथ में है? नहीं है, क्योंकि वो पूरा फ्यूचर में है। अभी क्या आपके हाथ में है? जो अभी आप कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, और वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना चाहिए, पहले तो स्माइलिंग पूरा करना चाहिए, आपका कल्याण मित्र के ऊपर आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए, कल्याण मित्र के ऊपर जितना हो सके उतना ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको क्या करना चाहिए, जगह अगर आपका मन भटकता है तो आप पहचानना है, उसे रिहा करना है। रिहा करना मीन्स उसके अंदर से ध्यान हटा के यहाँ ध्यान लाना है, यहाँ पे शीतल करना है, या हम रिलैक्स बोलते हैं, रिलैक्स करना है। फिर स्माइल करना है, स्माइल करके फिर से हमारे कल्याण मित्र पे आना है। तो वो काम हम वर्तमान में कर सकते हैं। तो आपका भविष्य जो है आपके हाथ में है अभी? नहीं। आपका जो बीत गया कल है वो आपके हाथ में है? नहीं। तो फिर आपके हाथ में क्या है? आपका वर्तमान। तो वर्तमान में आपको वो चीज़ करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि जो विचार आ रहा है वो मेरे भलाई के लिए है कि अभी मेरे से उससे कुछ भलाई होगा? अगर मैं बीते कल के बारे में सोचूंगा तो क्या मुझे कुछ भला होगा मेरा, या अगर जो पहले बीत गया है उसके बारे में कुछ सोचूंगा तो मेरा कुछ भला होगा? तो आपको ये सोच के आपको उसके अंदर आपको संयम का पालन करना चाहिए। इनके त्याग से उसका मन आंतरिक रूप से स्थिर, शांत, एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। जिस तरह एक युवा पुरुष या एक महिला जो गहनों का शौक रखते हैं, अगर उसके गले में सांप का या किसी और का अगर शव लटका दिया जाए, तो वह भयभीत, अपमानित और घृणा करता है। उसी तरह एक भिक्षु उन विचारों में खतरे की जांच करता है,
सो क्या है कि किस तरह जिस अगर एक एग्जांपल बुद्ध देते हैं कि अगर समझो आप एक बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले गहने पहनने वाला कोई व्यक्ति है ओके और उसके गले में हम कोई सांप का अगर शव डाल देंगे तो वो किस तरह घबरा जाएगा और वो डर जाएगा और वो बोलेगा कि ये ऐसा ये वो मानेगा नहीं उसको हटा के फेंक देगा उसे। तो उस तरह से जो भी ख्याल आपके मन में आते हैं जो आपके जो कल्याण निमित्त के लिए नहीं है जो मेत्ता के भावना के लिए नहीं है जो करुणा के भावना के लिए नहीं है जो मुदिता के भावना के लिए नहीं है जो उपेक्षा के भावना के लिए नहीं है उस सारे विचारों को आपको उखाड़ फेंकना है और फेंक देना है और उससे आपको कोई लगाव नहीं रखना है। तो लगाव से ही आपका पूरा जो चक्र है वो चालू होता है। आप किसी चीज़ पे लगाव रखेंगे तो आपको उसके ऊपर और आप उसके अंदर ऊर्जा देंगे, जितना ऊर्जा देंगे वो जो चीज़ आपने लगाव दी है वो वापस बार 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 वो आएगी। जब वो बार बार आएगी तो आप बार बार उसके साथ में घृणा करेंगे या उसके चिपकाव पैदा करेंगे या ऐसा सोचेंगे कि ये मैं हूँ ये मेरा है तो और उसके अंदर आप ऊर्जा देंगे और फिर से ये चक्र काल चक्र कभी टूटता ही नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं एक उदाहरण देते हैं कि अगर समझो चार भिक्खु है वो बैठते हैं और हर दिन अपने जो पूर्व जन्म के बारे में सोचते हैं तो अगर समझो उन्होंने 100,000 जन्म के बारे में एक दिन में सोचा और ये कार्य 100 बरस तक करते हैं बिना डांडी दिए हर रोज उस तरह 100 बरस तक वो करते हैं तो भी उनका कार्य पूरा नहीं होगा। तो इतने समय हम लोगों ने जीवन बिताए हैं तो ये काल चक्र क्यों टूटता नहीं है क्योंकि आपका जो ये जो सर्कल है आप उसे आप समझते नहीं है उसका क्या है अविद्या अविद्या पचाय संखारा संखारा पचाय विज्ञान विज्ञान पचाय नाम रूपा वो सारा जो चक्र है वो आपको से आपको छूटना है। वो किस तरह छूटना है कि आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ पे आपको ध्यान देना है और कौन सी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप पे अगर विचार आते हैं पुराने विचार आते हैं अरे मैंने ऐसा किया था वैसा किया था वहाँ पे गया था तो अगर वो विचारों पे आप ध्यान देंगे तो आप तब मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। एक ही समय है जब आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है तब जब आप वो विचारों पर ध्यान दे रहे हैं तब आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है। आपका विचार पे आपको पता चला मेरा माइंड भटक गया आप छोड़ देते हैं रिलैक्स करते हैं स्माइल करते हैं और वापस अपने कल्याण मित्र पे आते हैं। ये अगर 50 बार भी हुआ आधा घंटा बैठे आप और 50 बार भी आपका मन भटका और वापस आप लेके आए तो आप मेडिटेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं आपका मेडिटेशन अच्छा जा रहा है। आपका मन विचलित है तो इसका मतलब नहीं है कि मेडिटेशन खराब जा रहा है। आपको निर्विचार होना नहीं है विचारों से आपको झगड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे भी इस तरह बताया कि यहाँ पे वो विचारों के अंदर क्या आपका नुकसान है वो देखना है। जैसे हमने कल भी मध्यम निकाय 19 के अंदर बताया था कि क्या अच्छे चीज़ है और क्या मेरे लिए बुरा है वो आपको समझना है। यदि यदि वह ख्यालों के खतरे की जांच कर रहा है हो फिर भी उसके मन में वासना वैर और मोह से जुड़े हुए बुरे बुरे विचार पैदा हो तो वह उन ख्यालों को भूलने की कोशिश करे और उन पर ध्यान न दें। जब वह उन विचारों को भूलने की कोशिश करता है और उन पर ध्यान नहीं देता है तो वासना घृणा और भ्रम से जुड़े सभी बुरे हानिकारक विचार उसमें छोड़ दिए जाते हैं और कम हो जाते हैं। इनके त्याग से उसका मन आंतरिक रूप से स्थिर शांत एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। जिस प्रकार वो एग्जांपल हम बाद में देंगे पर हम जैसे बहुत बार हमने आपको कहा है कि अगर कोई चीज़ आती है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए उसे भूल जाना जैसे यहाँ पे कहा गया है उसे आपको भुला देना चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे अगर आपको पीड़ा हो रही है तो पीड़ा पे अगर ध्यान देंगे तो आप क्या दे रहे हैं उसको ऊर्जा दे रहे हैं तो वो बढ़ेगा। आपका समझो बीता हुआ कल का कोई विचार आया उस पर अगर ध्यान देंगे तो और कौन से विचार आएंगे आपको। अगर आपने बीता हुआ कल के बारे में आपने सोचना चालू किया तो और कौन से विचार आएंगे आपको वही आएंगे
बीते हुए कल का ही विचार आएंगे आपको। अगर समझो आपने भविष्य के बारे में आपने सोचना चालू किया तो और कौन से विचार आएंगे, भविष्य के बारे में आएंगे। अगर यहाँ के अभी के बारे में विचार आपने जो सोचना, कितना गर्मी है, आवाज़ को कितना करते हैं लोग, क्यों आते हैं यहाँ पे, और हर एक अलग अलग तरह के, अभी का जो मेरे बैठने की जो स्थिति बराबर नहीं है, मुझे क्यों पीड़ा हो रही है, तो अभी के ख्याल ज़्यादा ज़्यादा आपको आने लगेंगे, हर एक चीज़ आपको सताने लगेगी। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देने से आप उसको ऊर्जा देते हैं, जब ऊर्जा देते हैं तब आप वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसका इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है उसको कभी भी कोई चीज़ आए उसके ऊपर आपका जो ऊर्जा है उसमें नहीं डालनी चाहिए। तो आपके विचार जो है बहुत ही जो है पावरफुल है, बहुत ही उसके अंदर ऊर्जा है, तो मगर वो व्यक्तिगत नहीं है, जो अपने ऊर्जा से आया, जो आपने पहले बीते कल कुछ किया था उसके हिसाब से अभी का विचार निर्मित होता है। मगर अगर वो विचारों को अभी भी आपने उसको सींचा तो अब ये भविष्य में क्या होगा, वही विचार आएंगे आपको। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उस विचारों को सींचते नहीं हैं, उसमें से ऊर्जा खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं, आपका ध्यान आपके कल्याण मित्र पे जाके, मेत्ता पे जाके। अगर आपको कल भी बताया था कि जो चीज़ अच्छी है आपने पूरा दिन उसे उस पर किया, पूरा 10 दिन आपने मेत्ता पे ध्यान किया, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ आपके मन में मेत्ता की भावना बढ़ेगी। तो उससे क्या नुकसान होगा, कोई किसी को नुकसान नहीं हो सकता उससे। तो वो चीज़ जो है आपको करना है। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार अच्छी आँखों वाला व्यक्ति जो देखने के द्वारे सॉरी क्या मैं देखने के दायरे देखने के दायरे में उस रूप को नहीं देखना चाहता। सो अगर समझो आप एक अच्छी आँख है और ये देखने का दायरा है समझो, और मुझे ये स्टैंड को नहीं देखना है समझो, ऐसा मानते हैं, वह ये तो अपनी आंखें बंद कर लेता है या दूर देख लेता है। वैसे ही जब कोई भिक्षु उन विचारों को भूलने की कोशिश करता है और उन पर ध्यान नहीं देता है, मन आंतरिक रूप से स्थिर, शांत, एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, जैसे ये स्टैंड पड़ी है और मैं आँख बंद कर लेता हूँ, तो अभी क्या होगा, मैं ये स्टैंड को देख सकता हूँ नहीं। अगर मैं दूसरी जगह देख लेता हूँ तो ये स्टैंड मुझे देखेगा नहीं। अगर मैं दूर देख लेता हूँ तो ये स्टैंड दिखेगा मुझे नहीं। तो आप क्या करते हैं कि आपका मन का जो केंद्र है, जो भी चीज़ आया है, विचार आए हैं जो विचलित करते हैं और आपको खींचते हैं, तो उसके अंदर एक सबसे अच्छी आपको समझने की क्या बात है कि जो भी विचार आता है उसके अंदर एक तृष्णा रहती है, चिपकाव रहता है। तो अपने शरीर में वो जो चिपकाव है, जो आसक्ति है, वो उसका किस तरह से मीन्स दिखता है अपने शरीर में, वो तनाव की तरह दिखता है। तो इसलिए हम लोग रिलैक्स के लिए कहते हैं, जब आपका मन भटकता है और आप उसको रिलैक्स करें बगैर वापस लेके आते हैं, तो क्या होता है, ये तनाव अभी है तो आपका जो चिपकाव अभी भी है और फिर से वो उस के तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसका जो तनाव है वो कम नहीं किया, जो चिपकाव है वो आपने जाने नहीं दिया, तो फिर आपका फिर से वो चिपकाव बार बार वहाँ पे जाते रहेगा, क्योंकि आपने उसका एंटीडोट नहीं दिया, उसका जो है दवाई जो है उसका नहीं दिया। ओके, समझो आपको एक कांटा लग गया है, ओके, तो आपने वो कांटे को नहीं निकाला तो फिर क्या होगा, वो कांटे का दर्द बढ़ते जाएगा ना। तो उस तरह ही आप अगर किसी विचार आता है और आप रिलैक्स नहीं करते और डायरेक्टली आप आ जाते हैं, तो आपको वो जो चीज़ है वो बार बार खींचते रहेगी और फिर आप उससे क्या होगा, उससे घृणा करेंगे तो और ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा देंगे तो और वो हो जाएगा प्रबल, और फिर आप बोलेंगे नहीं मुझे उठ के अभी चलना है, मैं अभी बैठ नहीं सकता, तो आपका जो सिटिंग है आप उसे उठ जाते हैं। तो कभी भी आप अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको अपने आप को पूछना है कि मैं क्यों उठ रहा हूँ अभी, वैसा पूछना चाहिए अपने आप को। अगर आपका ये है कि अभी मेरा दर्द है तो आपको पूछना चाहिए, ये दर्द क्या मेडिटेशन का हमारा दर्द है तो नहीं उठना है। अगर ऐसा लगता है कि मेरा मन चंचल है तो चंचल हुआ तो क्या हुआ, मुझे नहीं उठना है। तो आपको कभी भी उठने से पहले अपने आप को पूछना है कि मैं क्यों उठ रहा हूँ, सिर्फ वो विचार एक आया है उस लिए उठ रहा हूँ, ये सारे विचार क्या मेरे हैं, मैंने ये विचार आने के लिए कहा था पहले,
कि उठ जाओ, अभी ये सिटिंग छोड़ दो, नहीं, ये विचार अपने आप ही आते हैं, ये अव्यक्तिगत है। विचार जो है अव्यक्तिगत है, क्योंकि आप देख रहे हैं अपने मेडिटेशन में कि ये विचार जो आपको आते हैं, वो विचार आने से पहले आपने उसको नहीं बुलाया है। जो मन मानसिक अवस्थाएं आती है, उस मानसिक अवस्थाओं को आपने नहीं बुलाया है। वो विचारों का अगर आपने एक गुच्छा बनाया तो वो मानसिक अवस्था होती है। तो मानसिक अवस्था अलग से नहीं है, आपने विचारों का एक गुच्छा बनाया, अच्छे अच्छे विचारों का आपने गुच्छा बनाया, तो क्या हो जाएगा, आपकी मानसिक अवस्था सुखी हो जाएगी। और समझो बुरे बुरे विचारों का एक गुच्छा बनाया तो आपकी मानसिक अवस्था क्या हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप। सो वो जो आप विचारों को अपना मानते हैं, विचारों पे ऊर्जा देते हैं, तो आपका विचार प्रबल होते हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आप ये समझते नहीं है कि इसका सही जो रूप क्या है और उसका सही जो आकार क्या है, वो नहीं समझने पे ही आपका उससे चिपकाव पैदा होता है। अभी और एक ये कहा गया है, ये जो कहा गया है ये थोड़ा एडवांस आप हो गए तो आपको समझ में आएगा। जब मैंने आपको एक दो बार बोला था कि अगर आपका मन भटकता है तो आपको पूछना चाहिए कैसे ये मन भटका, कैसे, क्यों नहीं, कैसे भटका, तो कैसे यहाँ से वो वहाँ गया, क्या हुआ उससे पहले, मेरा मन पूरी तरह भटकने से पहले क्या हुआ, तो अगर आपको वो पता चलेगा तो आपको वहाँ पे रिलैक्स करना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये होने से पहले क्या हुआ, तो तब वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं और आप वापस आ सकते हैं। या पता चलता है कि इससे पहले क्या हुआ, तब आप रिलैक्स करके वापस आ सकते हैं। तो ये जो चरणबद्ध तरीके से आप कर सकते हैं, तो उस बारे में ये बुद्ध ने यहाँ पे कहा है। यदि वह उन विचारों को भूलने की चेष्टा करे और उन पर ध्यान ना दे, फिर भी उसके मन में वासना, द्वेष और मोह से जुड़े हुए बुरे बुरे विचार उत्पन्न हो, तो उसे उन विचारों के विचार शुरुआत को शांत करने पर ध्यान देना चाहिए। विचार शुरुआत जहाँ से होती है उसको शांत करने पर ध्यान देना चाहिए। जब वह उन विचारों के विचार शुरुआत को शांत करने पर ध्यान देता है, तो वासना, घृणा और भ्रम से जुड़े सभी बुरे हानिकारक विचार उसमें छोड़ दिए जाते हैं और कम हो जाते हैं। इनके त्याग से उसका मन आंतरिक रूप से शांत, स्थिर, एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। ठीक जैसे एक आदमी जो चलने वाला सोच सकता है, मैं तेज क्यों चल रहा हूँ, क्या होगा अगर मैं धीरे धीरे चलूँ, और वह धीरे धीरे चलने लगे तो वह शायद सोचे, मैं धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो क्या होगा, और वो खड़ा हो गया। तब वह शायद विचार करे, मैं क्यों खड़ा हूँ, क्या होगा अगर मैं बैठ गया, और वो बैठ जाएगा। तब वह शायद विचार करे, मैं क्यों बैठा हूँ, क्या होगा अगर मैं लेट जाऊँ, और वह लेट जाएगा। ऐसा करने से वह प्रत्येक स्थूल मुद्रा को प्रतिस्पर्ति करेगा जो अधिक सूक्ष्म था। इस तरह जब एक भिक्षु उन विचारों को विचार निर्माण को शांत करने पर ध्यान देता है, उसका मन आंतरिक रूप से शांत, स्थिर, एकीकृत और एकाग्र हो जाता है। तो बुद्ध ऐसा एग्जांपल देते हैं, अगर समझो एक आदमी तेज चल रहा है तो वो सोचता है कि मैं धीरे क्यों ना चलूं, और जब धीरे चलता है तो वो बोलता है कि मैं खड़ा क्यों ना रहूं, खड़ा रहता है तो फिर बैठ सकता है, अगर बैठता है तो फिर लेट सकता है। तो वो जो और जो है इस तरह करके वो शांत हो सकता है। तो जैसे मन के बारे में भी ऐसा ही एक उदाहरण है, मन जैसे विचलित है तो एक तेज चलने वाला आदमी जैसा है, तो उसे अगर हमको कम करना है तो हम क्या करते हैं कि उससे पहले क्या हुआ, मेरा मन इतना विचलित हो गया उससे पहले क्या हुआ, वो आपको समझ में आएगा तो आप उसे वहाँ पे छोड़ देंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा मन जब यहाँ से वहाँ जाता है तो उससे पहले क्या होता है, तो आपको वो पता चलता है, और उस तरह से आप धीरे 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 शांत होते हैं।
तो इसके इसका जो पूरा प्रोसेस है, इसका प्रोसेस का जो बारे में जानकारी है वो हम आने वाले दिनों में आपको देंगे। उसको हम यहाँ पे जो ये रखा हुआ है आपका आपके लिए वो हम आपको बांटेंगे बाद में और आपको बताएंगे। ये जो है पत्तिसा समुपादा का 7 अंक वाला है, ये 12 लिंक का जो चार्ट है। ओके, ये जो चार्ट है आपको दिया गया है, ये अभी ब्लैक एंड व्हाइट में इन लोगों ने प्रिंट किया, मैंने कलर मांगा था मगर उन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट में किया। तो ये अलग अलग जो आप शेड देख सकते हैं इसके अंदर, एक यहाँ पे कुछ शेड नहीं, यहाँ पे थोड़ा लाइट शेड है और यहाँ पे डार्क शेड है। तो उसका मतलब और ये किस तरह से कार्य करता है वो उसके बारे में हम और जानकारी देंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से मन एक जगह से दूसरी जगह जाता है और किस तरह से आप वहाँ पर रोक सकते हैं उसे और आगे आगे आप जाके आपका मन और शांत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे आपका मन शांत होगा। अभी हमने आपको कहा है कि कभी भी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है आपके मन से, क्योंकि मन जो है मन का इस तरह से है कि अगर आपने उसके ऊपर जोर देने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, तो अभी समझो दब गया मन। मगर क्या होगा कि वो दबाने के अंदर क्या होगा कि आपने ऊर्जा कहाँ पर दे दी, जो चीज़ आपको तंग करती है उस पर दे दी। फिर क्या होगा कि आपका दबाव जैसे कम होगा वो चीज़ पूरी ताकत से फिर से आएगी। तो इसलिए मन दबाने से आपका जो है लंबे समय तक आपका मन स्वच्छ नहीं रहता। मन दबाने से एक समय आपका मन स्वच्छ हो सकता है, आपका मन शांत हो सकता है, मगर जैसे ही वो दबाव निकलता है तो सारा जो वो मन का जो पुरानी आदत है वापस आती है। किस तरह से आपका मन के आदतें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, आपका जो भी आपका मेडिटेशन का ध्येय है उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, आपका मन विचलित हो जाता है या आपका मन भटकता है तो आप पहचानेंगे आपका मन भटक गया है, उसे रहने देंगे, उससे झगड़ा नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे, स्माइल करेंगे, वापस आएंगे। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपका मन किस तरह से कार्य कर रहा है। ये समझते हैं तो आपको ज्ञान का प्राप्ति होता है, यही एक ज्ञान का प्राप्ति है। कोई ज्ञान का प्राप्ति कोई ऐसी अलौकिक चीज़ नहीं है जो ऊपर से आपका आएगी और आपको एक समय में आप अज्ञानी रहेंगे और दूसरे समय में आप ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है कि आप डिग्री कोर्स करने गए तो आपको 4 साल तक आप क्या करेंगे, मज़ा करेंगे, पार्टी करेंगे और फिर लास्ट दिन को आप जाएंगे और आपको सिलेबस बता देंगे और आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसा होता है नहीं। आपको रोज आपको मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो वैकेशन में क्लासेस भी लगते हैं, नहीं लगते हैं वैकेशन में? वैकेशन में भी लोग अभी पढ़ते हैं। तो हर एक दिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, तो हर एक दिन ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए हर एक अवस्था में ये कार्य करना ज़रूरी है। आप अगर बैठे हैं तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अगर उठ जाते हैं तभी भी आपका मेडिटेशन जारी रहता है, आप यहाँ पे चलते हैं वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं तो आप जारी रखते हैं, आप अगर खाना खा रहे हैं तो भी आपका मेडिटेशन जारी रहता है। मेडिटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक चिन्ह चाहिए या जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो आप स्माइलिंग रख सकते हैं, आप यहाँ से उठे तो खाना खा रहे हैं, आपका रूम में साफ कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, स्माइलिंग कर सकते हैं। स्माइलिंग ऐसा भी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा आप स्माइल करो, आप जैसे बुद्ध का मूर्ति है इसके अंदर कैसे मंद एक मुस्कुराहट है, उतना मंद मुस्कुराहट रखना है। ओके, अभी हम लोग कुछ लोगों को अगर 1000 बार भी बोलेंगे स्माइल करो स्माइल करो तो वो स्माइल नहीं करते, तो उसका उनको फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य आप करते ही नहीं हैं तो आपका उसका फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो आपको स्माइल करना है और आपको हर समय जिस तरह सती पठाना सुत्ता आपको बताया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण सित्ता है, उसके अंदर क्या एक चीज़ बताई गई है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दूसरे सित्ता में से ज़्यादा जोर देके बताई गई है, वो क्या चीज़ है कि आपका जो कार्य है वो हर आप स्थिति में वो जारी रखना है। सती पठाना का उतना ही महत्व है क्योंकि उसके अंदर आनापानासति का जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन वो तो दूसरे में भी है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन है जैसे अशुभ का, अशुभ का जो है बहुत ही लिमिटेड यूज़ रहता है। अगर आप गृहस्थ हैं तो उसका बहुत लिमिटेड यूज़ रहता है, अगर आप भिक्खु है और आपने संन्यास लिया है तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
फिर कौन सा पार्ट है जो वहाँ पे सत्य पठाने में सबसे आपको इम्पोर्टेंस है? आप ये कार्य हर स्थिति में आप जारी रखना है। अगर सत्य पठाना का शॉर्ट में अगर समरी दें तो उतना यही है कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं मेडिटेशन का, वो हर एक स्थिति में आप जारी रखना है। आप बैठे हैं तो जारी रखेंगे, आप चल रहे हैं तो जारी रखेंगे, आप खा रहे हैं तो जारी रखेंगे, आप नहा रहे हैं तो जारी रखेंगे, जो भी आप कर रहे हैं कार्य, रूम साफ कर रहे हैं तो आप भी जारी रखेंगे, वो चीज़ कॉन्स्टेंटली आप जारी रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उस तरह से बुद्ध ने ये सूत्र के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो फिर अभी हम इसको हमारा जो ये रिकॉर्डिंग को अभी यहाँ पे ख़त्म कर दें, फिर हमारा क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। ओके okay?